हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एससी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एसबीआई शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। एसबीआई शेयर जो कि अपने आप में बहुत दिग्गज बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक माने जाने वाला बैंक एसबीआई बैंक कहलाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे एसबीआई बैंक के अंदर आज हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर आसार थे कि ये स्टॉक गिरेगा। मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था कि एसबीआई का स्टॉक जो है वो यहाँ पर गिर सकता है, और गिरने का जो कारण था वो भी बिल्कुल जेन्युइन था। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है, और ये जो ब्रेकआउट मिला है इसके कारण इस स्टॉक के अंदर अभी पोटेंशियल लोड करके आ गया। और इस स्टॉक का जो टारगेट है वो क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगा, और एंट्री कहां पे करना है वो बताएंगे, साथ ही में स्टॉप लॉस को भी डिस्कस करेंगे। यहां पर इसके फंडामेंटल को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं चार्ट पर, आपको बताते हैं कहां पर इसने एक अच्छा ब्रेकआउट लिया है और कहां तक अब इसके अंदर टारगेट आपको मिल सकता है। उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस। तो पहले हम चल रहे हैं फंडामेंटल पे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं आपको लेकर के गया हूं यहाँ पे ट्रिकर टैप पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंने ट्रिकर टैप पे लगा दिया है। 526 रुपए का फिलहाल अभी प्राइस चल रहा है, 526 से 527 के बीच में आज लगभग 2.5% की तेजी इसमें दिखाई दी है। 12 रुपए के आसपास ऊपर हमें दिखाई दिया है। इंसेंट्रिक वैल्यू की अगर बात करें तो करंट प्राइस इज लेस देन द इंसेंट्रिक वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पे अभी सस्ते प्राइस पे आपको मिल रहा है इसकी मार्केट वैल्यू के कंपेयर में। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस एफडी रेट की, तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन एफडी। मतलब एफडी के कंपेयर में अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं करने वाला स्टॉक इसको फिलहाल माना जा रहा है ट्रिकर टैप की तरफ से। यहां पर अगर हम देखें कि किस तरीके का डिविडेंड मिलता है, तो फ्रेंड बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर जनरेट डिविडेंड हमें देखने को नहीं मिलता है, तो यहां पर इसलिए अच्छा डिविडेंड ऑफर नहीं करता है। बात करें एंट्री पॉइंट की, तो यहां पर ओवरबॉट जोन में स्टॉक अभी नहीं है, इसलिए इसका एंट्री पॉइंट यहां पर अच्छा बताया जा रहा है। कोई भी रेड फ्लैग यहां पर फाउंड होता है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेड फ्लैग जब फाउंड होता है जब प्रमोटर जो है अपनी जो होल्डिंग होती है उसको गिरवी रख के और वहां से पैसा जो आता है उसको अपनी कंपनी में लगाते हैं। ऐसा यहां पर नहीं हुआ है। एसबीआई अपने आप में बहुत ही दिग्गज बैंक है, तो उसको ऐसी नौबत यहां पर नहीं आने वाली। तो फिर अब हम चलते हैं फोरकास्टिंग के डाटा की तरफ, और आपके सामने डिस्कस करते हैं फोरकास्टिंग का डाटा क्या निकल करके आ रहा है। फिर यहां पर आप देखेंगे फोरकास्टिंग का जो डाटा है इसके अंदर 100% एनालिसिस आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इस शेयर के अंदर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहिए। उसके साथ ही ये कोई एक या दो एनालिसिस की कवरेज नहीं है, यहाँ पर पूरे 43 एनालिसिस की कवरेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जो कि आपको सजेस्ट करते हैं आपको इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर 100% एनालिसिस जो सजेस्ट करते हैं ये उन्होंने आज ही सजेस्ट नहीं किया है, ये उन्होंने बहुत पहले से सजेस्ट कर रखा है। जिस समय स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास था, जब भी यही सजेशन था, स्टॉक का प्राइस तो डेली चेंज होता है लेकिन ये सजेशन और ये जो हमारे रिकमेंडेशन होते हैं ये डेली चेंज नहीं होते। तो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। मैं आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेवल और टारगेट भी आज बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर एंट्री कर सकेंगे। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल को। तो एसबीआई के जो फाइनेंशियल है उसमें क्या गड़बड़ दिखाई देती है वो हम नीचे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, साथ ही में डिक्रीज हुआ है मार्केट शेयर में, ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। बात करें अगर इसके टोटल रेवेन्यू की और नेट इनकम की, तो वो फ्रेंड हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अभी और आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड, ये जो टोटल रेवेन्यू है इस स्टॉक का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,30,00,000, यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ, 3,30,687 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू 2019 में, 3,68,000, मतलब बढ़ गया है लगभग लगभग यहाँ पे कितना 38,000। उसके बाद यहाँ पे 3,85,000 फिर से बढ़त हुई है, और अभी 2022 4,06,000 का टोटल रेवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। ये सारी क्वांटिटी करोड़ में, जैसे 3,30,687 करोड़ है और पीछे वाला 4,06,973 करोड़, अच्छा खासा हमें यहाँ पर रिवर्स देखने को इसके अंदर मिल गया। अगर नेट इनकम की बात करें, तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट इनकम किस तरीके से यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो फ्रेंड यहाँ पर नेट इनकम के मामले में स्टॉक में 2,299 करोड़ की इनकम की थी, उसके बाद यहाँ पर 19,767 करोड़ की इनकम हुई है, उसके बाद 22,405 करोड़ की, और अब 35,373 करोड़ की इनकम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हो रही है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सारे के सारे फाइनेंशियल इसके अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करके हम चल रहे हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट पे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो प्रमोटर्स हैं इसके, उनकी जो होल्डिंग है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे मतलब प्रमोटर की जो होल्डिंग है यहाँ पर कांस्टेंट होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी को शेयर जो है गिरवी भी नहीं रखे, नीचे बता रखा, और कांस्टेंट पिछले 6 महीनों से एक जैसा यहाँ पे कुछ भी आगे पीछे मालकू नहीं किया गया। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है पिछले 3 महीनों से यहाँ पर आपको कांस्टेंट दिखाई दे रही है,
यहाँ पे देख सकते हैं आपकी म्यूचुअल फंड जो है ना पिछले 3 महीनों से अपने होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को भी पिछले 3 महीनों से यहाँ पर कांस्टेंट रख रखा है। अगर हम बात करें होल्डिंग पैटर्न की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 57.57% यहाँ पर निकल करके आ रही है, म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है 13.18% की है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है 11.90% हमें यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही बात करें FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन 10% लगभग की होल्डिंग यहाँ पर रखता है, वो रिटेल एंड अदर में यहाँ पर देखा जाए तो रिटेल के पास 6.29% और अदर पार्टीज के पास 1.44 की होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड ये था इसका पूरा फंडामेंटल, हम टेक्निकल की तरफ चलते हैं और टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं किस तरीके का सिनारियो इसके अंदर बन रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिए आपके सामने जो मैंने चार्ट लगा रखा है, ये जो चार्ट है आपके सामने वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगर नीचे की तरफ आप थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये वाले जो लेवल है, देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लिया गया और यहीं से क्या मिला था, इसे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद वापस से नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया गया एक कैंडल ने यहाँ पर और दूसरी कैंडल ने यहाँ पर, वापस से स्टॉक जो है नीचे आ गया था, वो बड़ी गेप भी कहाँ बनाई थी उसने, इसी वाले एरिया में बनाई थी। उसके बाद स्टॉक ने फिर से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे आ गया है। जब स्टॉक नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पर आप देखेंगे अच्छा खासा इसने डाउन लगा दिया था, उसके बाद स्टॉक फिर जब ऊपर चला है तो वापस इसने हमारे इसी लेवल को क्या कर दिया, यहाँ पर टच कर दिया है, और यहाँ पर टच करने के बाद स्टॉक फिर से गिरावट होती है। शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं इस शूटिंग स्टार को देखते हुए मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको बताया था कि इसमें फिर से गिरावट हो सकती है, और स्टॉक में यहाँ पर गिरावट हुई थी आप देख सकते हैं ये। उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर की तरफ चला है, कंसोलिडेशन कराए 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन के अंदर बहुत लंबे समय तक स्टॉक ने क्या करा, रेंज बाउंड वर्क करा, उसके बाद वापस नीचे की तरफ आ करके फिर ऊपर की तरफ जाता है। अब ये वापस से यहाँ पर जब गया था ऊपर, जब मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था आपके सामने कि ये जो स्टॉक है हमारा यहाँ से गिरावट भी दिखा सकता है, कहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ भी एक आपको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आगे वाले 2 दिनों में हल्की से एक रेड कैंडल बनी थी, लेकिन आज बड़ा ब्रेकआउट इसको मिल गया है। किस लेवल को ब्रेकआउट मिला आप देख लीजिए, 521 का जो लेवल है इसको आज यहां पर ब्रेकआउट मिल चुका है। अब ये स्टॉक आपको अगला टारगेट 550 देगा, क्योंकि यहां भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जब ब्रेकआउट हुआ था तो इसने हाई कितना लगाया था, 550, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, 550 से रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन यदि 550 को इसने ऊपर ब्रेक कर दिया तो अब ये स्टॉक एक नई नई ऊंचाइयां छूता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन पाने के लिए फिलहाल आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 526 रुपए 527 रुपए के आसपास स्टॉक काम कर रहा है। यदि आप यहां पर बाइंग करते हैं तो आपका 550 रुपए का टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ आप ध्यान रखें 521 रुपए का ही स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। यदि 521 से नीचे स्टॉक आया तो वापस स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी शूटिंग स्टार यहां बना हुआ है और यहां भी बना था, यहां से कई बार रिवर्स हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। मात्र 4 रुपए का स्टॉप लॉस यदि आप रख करके इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसके अंदर पोजिशन बनानी चाहिए और इसके अंदर एंट्री करना चाहिए, और ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए आपको 550 का टारगेट रखना चाहिए। तो फ्रेंड ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे SBI शेयर को लेकर के। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।